है 2 मीटर है, तो 2 मीटर लंबाई है, दो वर्टिकल स्ट्रिंग्स हैं ऑफ इक्वल लेंथ, ये रही इक्वल लेंथ, एक स्टील की और एक ब्रास की। वन ऑफ द वायर्स इज मेड अप ऑफ स्टील और दूसरा, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नीचे से A1 गिवन है, और अदर ब्रास की है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 भी गिवन है। फाइंड आउट पोजिशन अलॉन्ग द रॉड एट विच अ वेट मस्ट बी सस्पेंडेड टू प्रोड्यूस इक्वल स्ट्रेस इन बोथ द वायर्स। मतलब मैं यहाँ पर इस रॉड के नीचे वेट टांगना चाहता हूँ, कहाँ टांगूँ? कहाँ का मतलब, अगर ये 2 मीटर है तो ये एक्स है, 2 माइनस एक्स है, कहाँ टांगूँ एक्स बताओ, ताकि ये सिचुएशन ऐसी की ऐसी ही रहे। क्योंकि अगर मैंने वेट गलत जगह पे टांग दिया तो ये रॉड जो है ना वो टेढ़ी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता ये टेढ़ी मेढ़ी हो, ऐसी हो, मैं चाहता हूँ ये बिल्कुल ऐसी रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। तो मैं कहाँ टांगूँ ताकि स्ट्रेस दोनों वायर में एग्जैक्टली क्या रहे, सेम। अब पॉइंट नंबर वन, स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। अब स्ट्रिंग्स में फोर्स क्या होगी? स्ट्रिंग के अंदर फोर्स है, इसमें टेंशन T1 हो जाएगी, उसमें टेंशन T2 हो जाएगी, टेंशन अलग अलग वायर्स अलग अलग टेंशन। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन है, एक लाइट रॉड है, रॉड को दो रस्सियों से बांध दिया कोनों से, रेस्ट पे पड़ा हुआ है सिस्टम। मैं एक नया वेट टांगना चाहता हूं भार, कहां टांगू? 2 मीटर की लेंथ है, यहां टांगू, यहां टांगू, यहां टांगू या यहां टांगू, ताकि दोनों वायर में स्ट्रेस की वैल्यू क्या रहे, सेम। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय एरिया सेम। और ऊपर से ये वायर घूमे भी ना, इक्विलिब्रियम में रहे, और कौन सा इक्विलिब्रियम है? रोटेशनल। ट्रांसलेशन तो रहेगा ही नहीं, ट्रांसलेशन तो खराब होगा ही नहीं, क्योंकि वायर से बनी हुई है, रॉड नीचे गिरने से रही, घूम सकती है, एक में टेंशन ज्यादा एक में कम होगी तो घूम सकती है, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करके रखना है। ठीक है यहां तक? तो पहला स्टेप क्या है? स्ट्रेस की वैल्यू दोनों वायर्स में क्या होगी, सेम। स्ट्रेस होता क्या है? फोर्स बाय एरिया। तो मान लो स्टील के अंदर टेंशन T1 है और ब्रास में T2 है, अलग अलग रस्सियां अलग अलग टेंशन, तो स्ट्रेस T1 बाय A1 इज T2 बाय A2। क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 बाय T2 की रेशियो आ गई, तो A1 A2 आपको पता है, यहां से T1 बाय T2 आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है, कहां वेट टांगना है, तो मुझे एक्स निकालना है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना है, तो ये वायर गोल नहीं घूमेगी, ऐसे रोटेट नहीं करेगी, तो जहां अपने वेट टांगा वही उसका एक्सिस है, आप वही वेट टांगोगे जहां उसका एक्सिस है। तो यहां पे टेंशन मान लो T1 है और ये दूरी क्या है, एक्स है। यहां पे टेंशन क्या है, T2 है और ये डिस्टेंस क्या है, 2 माइनस एक्स है। तो अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लूं सी पॉइंट के अबाउट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ताकि ये सिस्टम रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे, तो क्या होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, इस सी पॉइंट के अबाउट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका टॉर्क हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका टॉर्क क्या होगा, T2 इनटू 2 माइनस एक्स। तो टॉर्क की वैल्यू लेफ्ट और राइट पर क्या रहनी चाहिए, एग्जैक्टली सेम। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड है, तो पहली इक्वेशन इसमें T1 T2 की रेशियो आएगी, दूसरी इक्वेशन इसमें रोटेशनल इक्विलिब्रियम आएगी, यहां से रोटेशनल इक्विलिब्रियम से भी T1 T2 आएगा, बट T1 T2 आप हाफ निकाल चुके हैं, यहां पे इसकी जगह हाफ पुट करके x आ जाएगा, आंसर आ गया। तो x निकालना है, x की वैल्यू आएगी। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, बी पार्ट है, फिर से सेम क्वेश्चन सॉल्व करो, दोनों वायर्स में स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन दोनों वायर्स में सेम है। तो अगर दोनों वायर्स में स्ट्रेन सेम है और यंग्स मॉडुलस आपको दोनों वायर का गिवन है, तो स्ट्रेन सेम का मतलब जो स्ट्रेन होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन वाई। जो स्ट्रेन है वो स्ट्रेस अपॉन वाई है, क्योंकि वाई इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन है। अब पहली वायर में स्ट्रेन क्या होगा, स्ट्रेस क्या है, T1 बाय A1 बाय Y1, और सेकंड वायर में क्या होगा, T2 बाय A2 बाय Y2। तो ये स्ट्रेस बाय वाई, स्ट्रेस बाय वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T1 T2 की रेशियो आ गई, दोनों वायर्स का A1 A2 पता है, Y1 Y2 पता है, सॉल्व करके T1 T2 की रेशियो आ गई, रोटेशनल इक्विलिब्रियम फिर वही मेंटेन होगा। तो T1 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू 2 माइनस एक्स, इक्वेशन तो वैसे की वैसी है, तो आप यहां से T1 और T2 की रेशियो को यहां पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है, इसका मतलब पहली जो इक्वेशन है वो किसकी बनानी पड़ेगी, पहली इक्वेशन बनानी पड़ेगी
स्ट्रेस सेम करके या स्ट्रेन सेम करके और दूसरी रोटेशनल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके वहां से एक्स की वैल्यू आएगी। तो आइडिया समझ में आ रहे हैं यहाँ तो कैसे करना है? ठीक है,